घोरव सीखते हैं परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और वो बल है एक स्थान की बात करते हैं शरण स्थान की बात सिर्फ हमारे सहायक एक व्यक्ति की बात नहीं करते मेरा एक शरण स्थान की बात करता इस कारण हम कोई भय नहीं हमें कोई भय नहीं है चाहे पृथ्वी उलट जाए पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए चाहे समुद्र गर्जे और फेर उठाए पहाड़ उसकी बाड़े से कांप उठे परमेश्वर का दास कहते हैं मेरे चारों ओर विनाश है नाश है आपत्ति है विपत्ति है बहुत सारे डराने वाली बात होती है इतना तक कि उस नामी की अवस्था का वर्णन कर रहे ऐसे भी हो जाए पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाते इतना बड़ा भूकंप हो जाए ऐसी अवस्था मेरे चारों ओर में है लेकिन मैंने एक स्थान को ढूंढ निकाला है कहते इन सारे चीजों के बीच में इन सारे चीजों के बावजूद जब समुद्र गरजते फेर उठाते नहीं पहाड़ कांपने लगते इन सारे चीजों के बावजूद और उसके बीच में मैंने एक नदी को देखा है वैसे एक नदी है वो मुझसे हट कर बहने वाली नदी नहीं है उसके अनेक शाखाएं हैं एक नदी है इसकी नगरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है परमेश्वर का दास ने ऐसा एक जगह को पाया परमेश्वर का दास ने ऐसा एक स्थान को एक स्थल को देखा है वहां इन सारे चीजों के बावजूद आनंद है विश्राम है सांत्वना है सुदास है वो परमेश्वर का दास ने देखा है इसलिए वो डरता नहीं है ऐसा नहीं कि वो बेवकूफ है और वो भी नहीं जानता कि भूकंप से कितना नाश और नष्ट हो सकता वो नहीं जानता ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि वो इतना एक तो मूर्ख इंसान है जो सुनामी आते हैं और फेन उड़ते हैं समुद्र गरजते हैं वो नहीं उसको नहीं लगता कि खेलने का कोई फाउंटेन है नहीं है उसको पता है कितने विनाशकारी है कितना आपत्ति है ये वो जानता है कितने तरह की संकट और परेशानी के बीच में वो है अच्छी तरह जानता But he has also found उसके साथ साथ उसने ऐसे जगहों को देखा है वहां एक नदी के नगरों ने परमेश्वर के नगर को अर्थात परम प्रधान के निवास स्थान को आनंदित करता some skip into that some escape into such a beautiful oasis कुछ लोग ऐसे जगह पे तुरंत घुस जाता है तुरंत घुस जाता है हमने पिछले इतवार को सुना अगर मैं यरूशलेम को मेरा मुख्य आनंद से बढ़कर नहीं समझता तो मैं मेरे दाहिने हाथ को ही भूल जाए कुछ लोगों को जीवन की हर अवस्था में हर परिस्थिति में लोग विरोध करे दुनिया विरोध करे निंदित हो जाए या बड़े बड़े आपत्ति और विपत्ति की सामना हो या कमजोरी की घड़ी हो या बीमारी की अवस्था हो कुछ भी हो कुछ लोगों ने ये यरूशलेम को देखा है ये यरूशलेम में अपने आप को प्रवेश करता है वो उनके अति मुख्य
के आनंद से बढ़कर आनंद का कारण है। पिछले इतवार को हमने सुना वो आनंद कैसे होता है, यहाँ लिखा है एक नदी है वो स्वर्ग सिंहासन से बहती है, वो लोगों का मुंह से नहीं बहती है, वो मित्रों के कारण नहीं होता है, वो बड़ा एक भाषण के कारण नहीं होता है, वो परमेश्वर के स्वर्ग सिंहासन से एक नदी बह रहा है, वो नहीं सूखती है, वो नहीं रुकती है। हालेलुया, वो सिर्फ बेनिहीन के पास नहीं जाता, उसका अनेक निहारे है। हालेलुया, वो सिर्फ तंगुदर के पास ही नहीं जाता, उसके अनेक अनेक शाखाएं हैं, वो उसमें एक शाखा छोटा क्यों ना हो वो मेरे पास से बढ़ता है। और मैं हूँ यरूशलेम में अपने आप को पाता हूँ। आई सडनली फाइंड माय सेल्फ। हालेलुया, हालेलुया, इन माय हेवनली जेरूसलेम। इसलिए हमने पिछले इतवार को सुना कि परमेश्वर मेरा आनंद का खुद है, उसको स्मरण कर कर आनंदित होने वाली बात नहीं है। उसने इस्राएल को चुराने के लिए इतने महान कार्य किया, उसको स्मरण कर कर आनंदित होने वाली बात नहीं है। सिर्फ वो नहीं है, उसने यरदान के पार कराने के लिए और यरीहो की दीवार को गिराने के लिए कितने अद्भुत रीति से काम किया, सिर्फ उसके कारण नहीं है। मैंने वो नदी के निहार उसके शाखों को देखा है, वो बिल्कुल मेरे समीप से बहता है। और मैं परमेश्वर के शहर में जो परमेश्वर का निवास स्थान है उसमें अपने आप को पाता हूँ। हालेलुया, मैं मेरे निवास स्थान में नहीं है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं मेरे निवास स्थान में नहीं है, मेरे देश में नहीं है, मेरे शहर में नहीं है, मेरे घर में नहीं है। हालेलुया, वहां भूख कब हो रहा है, अमेर वहां पेड़ उठते हैं, वहां समुद्र गर्जते हैं, वहां पर्वत कांपते हैं, नहीं है। उसके बीच में मैंने अपने आप को इस एक निवास स्थान जो परमेश्वर का प्रधान परम प्रधान परमेश्वर के निवास स्थान है उसमें मैं अपने आप को देखता। हालेलुया, वो नगर में मैं अकेला नहीं हूँ, मैं कभी अकेला हो ही नहीं सकता। हालेलुया, उस नगर के बीच में परमेश्वर, हालेलुया, वो कभी टलने का नहीं है, ये नगर हिलता नहीं है, वह भूकंप नहीं होता। हालेलुया, समुद्र गरजता होगा, पेड़ उड़ाता होगा, लहरें उड़ता होगा, तूफान आती होगी, पर्वत बिगड़ता होगा या कांपता होगा, लेकिन ये टलने का नहीं है। ये ऐसा एक नगर है वो मेरे जीवन में, हालेलुया, मैं अपने आप को उसी में पाता हूँ, वो डरने का नहीं है। इतना ही नहीं है, बहुत समय के बाद मैं बहुत रोने के बाद, बहुत नाराजी में डूब पड़ने के बाद, बहुत कुछ कष्ट और संकट और नष्ट सहने के बाद कभी मुझे तसल्ली मिलने की एक उम्मीद है, नहीं है। पाँव फटते ही आरंभ से अति आरंभ से Before I lose my heart and plunge into despair and disappointment, उन्होंने सिर्फ पहले, हालेलुया, नाराशी के गर्त में मैं अपने आप को डुबाने से पहले, उरबाना मामा माखसी, हालेलुया, उन सांस खोकर दिल को कच्चा कर विलाप के गीत गाने से पहले ही वो मेरे सहायता करता नहीं है। मैंने इस एक जगह को देखा है, वो जगत की खूबी जानना चाहते हो, परमेश्वर जो सेनाओं का यहोवा है हमारे संग है। परमेश्वर के रूप में मैं उसको शायद जान नहीं सकता, इब्राहिम के परमेश्वर के रूप में मैं उसको शायद ग्रहण नहीं कर सकता, इसहाक के परमेश्वर के रूप में मैं उसको देख नहीं सकता, लेकिन याकूब का परमेश्वर बनकर वो मेरे समीप रहता है। जीवन के सबसे कमजोरी की घड़ी में, नाराशी की कड़ी में,
गिर पड़ा है वो अवस्था में भी, याकूब की अवस्था वही सत्ता वो अवस्था में भी तसल्ली की एक शक्ति नहीं, स्वर्ग सिंहासन तक पहुंचाने वाली सीढ़ी उतारने वाला परमेश्वर कब्र में वहां पहुंचने के पहले गलत कदम उठाकर प्रभु को उस स्थिति से भटक कर जाकर एक ऐसे श्रापित जगह पर पहुंचने से पहले वही जगह को पवित्र बनाने के लिए स्वर्ग दूतों को उतार कर परमेश्वर की महिमा अनुपस्थिति को लेख कर वो जगह को एक खास एक प्रत्येक स्थान नहीं है, वो जगह को परप्रधान का निवास स्थान में बदलने वाला प्रभु लाखों का परमेश्वर मेरा संग है। The most cursed spot in my life, the most frustrating experience of my life is so transformed into the habitation of God, where the rivers of God gladdens my heart. Mere jeevan ke sabse shrapit jagah, mere jeevan ke sabse kamzor kadi, ek pal mein याकूब का परमेश्वर का निवास स्थान बनता वो मेरे लिए यरूशलेम बनकर हालेलुया मुझको आनंदित करता। ऐसा परमेश्वर का दास करता, मैंने इसे जगह को देखा है, मैंने इसे जगह को देखा है, मैं ऐसा निवास स्थान को जानता, वो मेरा निवास स्थान नहीं, वह परम प्रधान परमेश्वर जो याकूब का परमेश्वर है मेरे संग रहने के लिए वो जगह को चुन लिया। सबा नाम कसी अद्भुत में, और एक बार वो शमरिया की स्त्री मेरे पास आया, मेरे पास ऐसे ही लोग आते हैं, माफ करो आपके पास तो अब्राहम हमेशा आता है, वहां इतने इतना सब बड़े बड़े सपना नहीं देखता, पत्र बड़े बड़े दर्शन भी नहीं देखता। वो शमरिया की स्त्री आकर कहता अब तक में ये श्रापित होकर निंदित होकर लज्जित होकर यहां आया करती थी, लेकिन आज याकूब के परमेश्वर के संगति ने इस जगह को मेरे लिए यरूशलेम में बदल दिया। कब मैंने कभी सुना नहीं था ऐसा, और वो लड़की की एक चाहत है, यरूशलेम अति पवित्र जगह है, लड़की जानती है यरूशलेम में जाने और उधर आराधना करने के योग्य शबरी की लोग नहीं, शबरी के लोगों को उसका अनुमति नहीं है, शबरी लोग नीचे तौर के लोग हैं, वो लोग तो ये याकूब का कुआ जो है वहां वो लोग उसको बड़ा पवित्र मानते हैं, और वहां वो लोग आराधना करके तृप्त होने के प्रयास करते हैं, लेकिन हृदय के भीतर वो लोग जानते थे कि यरूशलेम परमेश्वर का नगर है, जानते थे वो दाऊद का शहर है, वहां बड़े बड़े पवित्र लोग जाकर आराधना करता है, यहूदी लोग आराधना करता, उसके हृदय के भीतर से ये शब्द आता, वो कहता एक गुरु में जाता तुम्हारे लोग कहते कि यरूशलेम में आराधना करना सही है, हम लोग तो यरूशलेम पर्वत पे यहाँ हम आराधना करते, हमें लगता है हमारे लोग बोलते ये काफी है। यीशु कहता बेटे हमारा मामा मक्का शहर यहाँ आया है, शहर को मिले सुखता वहां नहीं, यहां नहीं, वो पर्वत पर नहीं, ये पर्वत पर नहीं, I have brought Jerusalem to you, कहते मैं यरूशलेम को यहां लेकर आया। तमन्ना मम्मी यीशु इतना खुश होकर कहता ऐसे आराधकों को पिता परमेश्वर खुश वहां बड़े भक्त लोग जाकर आराधना करते हैं, वहां आराधना
करने के अधीन फारसी लोग आते हैं, शास्त्री लोग आते हैं, वो बाहर पवित्र जीवन बिताते हैं, बहुत बार कम से कम 7 बार एक दिन में घुटने पे आकर प्रार्थना करते हैं, और हफ्ते में कम से कम 2 दिन उपवास रखते हैं, वो पवित्र शास्त्र को बाय हार्ट जानते हैं, बाय हार्ट मुझे वाणी जानते हैं, उनको पुस्तक खोलने की जरूरत भी नहीं, हर प्रार्थना उसको आता है, कभी गलती नहीं होती, उसका मुंह से एक झूठ कभी नहीं निकलेगा, एक गलत शब्द कभी नहीं निकलेगा, वो झगड़ा नहीं करेगा, वो आवाज उठा के बात भी नहीं करता, बताया आपको फारसी लोग आवाज उठा कर बात नहीं करता, कोई भी अशुद्ध वस्तु को वो छुएगा नहीं, इतने पवित्र लोग पवित्र वस्त्र पहन कर वो लोग उधर आते हैं और वो लोग आराधना करते हैं। समरी के लोग ऐसे नहीं है, समरी के लोग गिरे हुए लोग हैं, नीचे तौर के लोग हैं, लेकिन ये समरी की लड़की कहता है मैंने मसीहा को याकूब के परमेश्वर को शायद मैंने देखा हो। That is my place of solace. That is where I will be comforted. वहाँ मैं विश्राम पाती हूँ। वहाँ मैं आनंदित किया जाता है। वहाँ मैं हम पिछले दिन सुना, रूथ चलती चलती आई, रेगिस्तान से चलती आई, धूप में चलती आई, लेकिन वो धूप में नहीं चली, नवोमी की छाव में चलती थी, नहीं यरूशलेम की छाव में वो चलती रही, रखना बना मुस्कुरा खोई दोनो दोनो दो खुशी, ये प्रत्येक स्थल नहीं है। हालेलुया, दिस इज व्हाट आई एक्सपीरियंस इन माय लाइफ, स्टिकिंग क्लोज टू माय बिलव्ड लॉर्ड, मेरे प्रभु के संग चिपक कर मैं मेरे जीवन में अनुभव करने वाली एक अवस्था है मेरी यरूशलेम, वो यरूशलेम को मैं मेरे मुख्य आनंद से बढ़कर मानता और चाहता। हालेलुया, सेनाओं के यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, और वो नगर का वर्णन करता परमेश्वर के नगर का वर्णन करता, कहते वो अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। वो अवस्था विलाप की नहीं है, वो अवस्था रोने की नहीं, वो अवस्था कुड़कुड़ाने वाली बात नहीं है, यरूशलेम रोने का जगह नहीं है, यरूशलेम कुड़कुड़ाने का जगह नहीं है, यरूशलेम आरोप लगाने का जगह नहीं है, अपने आप को श्राप देने का भी जगह नहीं है, हालेलुया, दूसरे को नीचे गिराने वाली जगह नहीं है, वो एक मात्र चीज वहां निरंतर चलता रहता। मैं 48 में आ गया, माफ करो, परमेश्वर के नगर में आती स्तुति होता है, ये साधारण स्तुति नहीं है। हालेलुया, गिरा हुआ इंसान पागल की तरह कूदी मारकर करने वाली स्तुति है यह। हालेलुया, पाताल की गहराई से भी उड़कर परमेश्वर की ऊंचाई का दर्शन पाकर चिल्ला चिल्ला कर नाचते हुए हृदय में नाचते हुए उसके प्राण जो तार पाया है उसके संग मिलकर करने वाली अति स्तुति है यह। ये साधारण स्तुति नहीं है, ये यरूशलेम में फारसियों की आराधना नहीं है, ये ऐसी एक स्त्री की आराधना है, वो उसके ऊपर थूकी जाती थी, सब लोग उसको तिरस्कार किए थे, वो परमेश्वर को नहीं जानती थी, सदा वो प्यासा और भूखी थी। हालेलुया, लेकिन वो याकूब के परमेश्वर के सम्मुख खड़ा किया गया, उन
कभी नहीं है। याकूब को परमेश्वर उसके पास आया, हालेलुया, उसकी परिस्थिति बदल गया, उसकी अवस्था बदल गई, और वो यरूशलेम में नहीं है, वो निंदा के बीच में नहीं है, कुड़कुड़ाने की अवस्था में नहीं है, दूसरे को प्रारोप नहीं करता। मैं होता तो मैं कहता परमेश्वर, सॉरी परमेश्वर का पुत्र या गुरु, तुम नहीं जानते क्या, 5 बार मेरा शादी हुआ है, मेरे जीवन में एक पल के लिए भी मुझको खुशी नहीं मिला है, 5 शादी टूट गई है, या मेरा पति मर गया है, या उन्होंने धोखा दिया, मैं नहीं जानता उसकी कहानी क्या है। मैं रो रो कर कहता कि मेरे जीवन में तूने एक के बाद इतना सब नाश और इतना संकट होने दिया। और परमेश्वर हरी कहा, परमेश्वर जिंदा है कि मुझे बताओ, गिदोन भी पूछता अगर परमेश्वर हमारे संग है तो इतने सारे इतनी बड़ी आपत्ति और विपत्ति हमको क्यों होगा। अच्छा गिदोन भी पूछता, लेकिन ये लड़की वो भी नहीं पूछती, पूछने का पूरा हक उसको है, लेकिन वो नहीं पूछती, वो एक ही चीज करता, वो गड्ढे को फेंक देता। एक ही आशा लेकर वो आई थी, एक ही चीज के लिए वो आई थी, एक भी उद्देश्य लेकर वो आई थी। ये बरगद में पानी भरकर ले जाना, प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए था, लेकिन उसी को वो छोड़ देता, उसी को वो फेंक देता, और वो जाकर शहर में जाकर कहता, मैंने याकूब के परमेश्वर इसराइल को उद्धार कर जगत का उद्धार मसीहा को देखा है। तो बना बना मामा मस्सा, ये अति स्तुति के जगह है, हालेलुया, ये हालेलुया विलाप करने वाली जगह नहीं है, वो अति स्तुति है, वहां है, कहां है वो, परमेश्वर के नगर में कितना चाहता कि मैं अपने आप को वो शहर में पाऊं। हालेलुया, मुंबई शहर में नहीं, ठाणे शहर में नहीं, 10 बेडरूम के बड़े घर में नहीं है प्रभु। हालेलुया, एयर कंडीशन सबसे बड़ा गाड़ी में नहीं प्रभु, मैं मुझको देखना चाहूंगा परमेश्वर के नगर में। हाँ प्रभु, अति स्तुति के ऊपर विराजमान होकर पर्वत ऊंचाई में कितना सुंदर है, सारी पृथ्वी का हर्ष का कारण है। जब पर्वत पिघलता, जब पर्वत कांपता, जब पर्वत समुद्र में गिरता, सियोन पर्वत की ऊंचाई बढ़ते जाती है। हालेलुया, जीवन में तो परमेश्वर का वचन कहता, जो परमेश्वर के शहर में वास करता वो एक उच्च पर्वत के समान, उसकी ऊंचाई बढ़ते रहेगी, उसकी स्तुति अति ऊंचाई में सुनाई देगी। क्योंकि देखो राजा लोग इकट्ठे होते हैं, सॉरी वो उसके महलों में परमेश्वर एक उच्च गढ़ माना जाता है। Not when I am lost in my sorrows, मेरे शोक और दुख में जब मैं डूब पड़ा तब नहीं कुड़कुड़ाते हुए, शराब देते हुए, गलती ढूंढते हुए, अपने आप को भी सजा देते हुए बैठने वाली एक अवस्था नहीं है यार। जब मैं अपने आप को इस स्वर्गीय इस योन में परमेश्वर के नगर में मैं अपने आप को पाता हुआ परमेश्वर कैसे दिखाई देता हूं, मैं ऊंचा कहते हिंदी में लिखा माना जाता, लेकिन मलयालम में बहुत सुंदर हिंदी से लिखा है, तब वो एक ऊंचा गढ़ के समान प्रकट होता। रुखा न मना बसीरुना रुहुरु बना न कसो
Nigar bana no hosina. Doesn't matter who you are. आपको नहीं उसका आधार पर नहीं है. आप कैसी अवस्था में उसका आधार पर नहीं है. आप अपने जगत छोड़कर परमेश्वर के नगर में प्रवेश करोगे. भगवान ने नमक कसे यरूशलेम में वास करने को मिलने को कहा. जैसा नवोमी ने किया था. नवोमी ने कहा मैं उठूंगी और मैं जाऊंगी. मैं बेथलहम में परमेश्वर के नगर में जाऊंगी. आमीन. प्रभु ने भी कहा मैं भी जाऊंगी. हो रबना हसोन रुहना मना मामा मक्कसित तेरे को. There is only one place of solace. There is only one place of rest. There is only one place of blessedness for a child of God. That is in the sweet presence of the God of Jacob. Where the riverlets of God flow, making the city of God ever glad. Ek jagah hai, woh jagah mere sameep hai. Usse door nahi hai. चुने जमाने में ऐसे शहर बनाए गए थे जो बड़ा पाप करे गलती में गिर पड़े बांट के जाए. जब तक उसमें विश्राम न पाए तब तक आपको कोई मार डाल सकते. लेकिन जब उसके अंदर गुस्सो में था आप सुरक्षित. लेकिन वो भागने के लिए वो समय लगता. व्यवस्था का पालन करना पड़ता है. बलि चढ़ाना पड़ता है. मैं आत्मिक बात करता उधर भागने की बात नहीं करता. परमेश्वर के विश्राम स्थान में प्रवेश करने के लिए मुझको जुना जमाने के लोगों को व्यवस्था के अतीत के लोगों को बहुत कुछ करना पड़ता था. ढूंढ के निकालना एक ऐसा एक मेमना को वो शरणनगर से बहुत ही मैं आत्मिक बात करता हूं. मुझे ढूंढ के निकालना एक ऐसा जानवर को इसमें कोई कलंक ना हो कोई कमी ना हो. मुझको तैयारी करके सारे सामग्री लेकर याजक के पास जाना है. याजक के समय पे जाना है और याजक उसको उसको सर्टिफिकेट देना हो तो प्रमाण पत्र देना चाहिए उस जानवर के लिए. और याजक उसको बलि चढ़ाएगा और याजक मेरे लिए प्रार्थना करेगा. याजक अगर अपने आप को तैयारी किया था और मेरा पश्चाताप सही था तो मेरे पाप डाक दिया जाएगा. तब मैं विश्राम पाऊंगा कुछ समय के लिए. लेकिन ईशावरी की स्त्री के पास जो आया है ये कुष्ठ रोगी के पास जो आया है वह महायाजक स्वयं है. उसने पहले से बलि चढ़ाया है. उसने पहले पवित्र लहू बहाया है. जब वो आता हाँ मेरे समीप आता तो मेरा समीप है ये शहर. मैं उसमें से घुसता. वो पर्दा सदा के लिए फाड़ दिया गया पर्दा है. मैं यीशु से विनती करने वाली बात नहीं करता. मुझे नहीं मालूम ये कैसे आपको सिखाना है. मुझे नहीं आलू मैं कुछ सीखता और मैं आपको बता नहीं सकता. मैं यीशु से प्रार्थना करने वाली बात नहीं करता. मैं पश्चाताप करने वाली बात नहीं करता. मैं वजन सीख कर खुश होने वाली बात नहीं करता. मैं गीत गाकर मग्न होने वाली बात नहीं करता. मैं तुरंत ये शहर जो परमेश्वर की शहर है वो अवस्था में अपने आप को प्रवेश कराने वाली बात करता. वहां सिर्फ सांत्वना नहीं है. हालेलुया. पिछले त्योहार को हमने पढ़ा वो मेरे अति आनंद के कुंड इसलिए है कि वहां अति श्रेष्ठ भोजन से मेरा पालन पोषण होता है. हालेलुया. वहां वचन है. वहां उपदेश है. वहां अगुवाई है. वहां परमेश्वर की उपस्थिति है. वहां स्वर्गीय आनंद है. वहां मत्वत होने की अवस्था है. हालेलुया. इट इज नॉट अ प्रेयर. इट इज नॉट जस्ट एन आंसर टू प्रेयर. इट इज नॉट अ मोमेंट ऑफ कंफर्ट दैट आई रिसीव. इट इज एन एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग बीन हिडन इन
my blessed Lord, ऐसी एक अवस्था है कि ऐसा घर में मैं अपने आप को छुपाकर सारी आनंद की अवस्था, सारी महिमा, the entire blessedness of this God of mine who is willing to unfold me with his arms of love, उसके प्यार के हाथों से आलिंगन करकर, सीने से लगाकर, मुझको सिखाकर, मुझको मार्गदर्शन देकर, मेरे हृदय को आनंदित करकर, मुझको हिम्मत देकर, हालेलुया, मुझको फलवंत बनाकर, उसमें बसाने वाली एक अवस्था को मैं यरूशलेम था. Hallelujah. This is much more than forgiveness of sins. This is much more than a fresh anointing of the Holy Ghost. This is much, much more than that. एक ताजगी का विषय की बात नहीं है ये बात. मैं सब खा नहीं पाता, मुझे बताने के लिए भी नहीं आता. ये एक ताजगी का विषय की बात नहीं है. ये पाप क्षमा की बात नहीं है. ये बिनती बिनती करके प्रार्थना करके कुछ प्रभु से मांगने वाली बात नहीं है. ये अलग अवस्था है. आप शबरी की नारी को पूछो, शायद बताएगी. वो बोलेगा मैं तो कुछ नहीं पाया. रब्बा ना मम्मा मक्का सिंदर ना बोनी माना ना मक्का. मेरा शादी भी नहीं हुआ. प्रभु ने नहीं कहा मैं तुझे शादी करा के दूंगा. रुखा ना बना मम्मा मक्का सिंदर ना बो. मेरा टाइटल बदल नहीं गया. अगर मेरा टाइटल वैसे आया तो वैसे ही नहीं होगा. रुखा ना बना मम्मा मक्का सिंदर ना बो. रीमा ना मम्मा मक्का सिंदर ना बो. I don't care anymore. Hallelujah, hallelujah. Nothing can change my joy into darkness and sorrow. Ab meri khushi ko koi vilab mein aur dukh mein aur klesh mein badal nahi sakta. Iske mahalo mein Parameshwar Yehova एक मजबूत गढ़ बनकर अपने आप को प्रकट किया है. अपने परमेश्वर के नगर में और भी कुछ होता जैसा हमने सुना था वैसा आप देखते हैं. ऐसा शहर है जो भी बात परमेश्वर के बारे में वचन में दिया गया है उसका अनुभव मैं करता हूं. जो भी परमेश्वर के विषय में बताया गया, जो भी परमेश्वर के शहर के विषय में बताया गया, जो भी सियोन के विषय में बताया गया, जो भी यरूशलेम के विषय में बताया गया, ये सारे चीज का अनुभव में करता तब को ब्रदर का मुंह से नहीं, एमए वर्गीस का मुंह से नहीं, दूसरे की गवाही से नहीं, जो मत प्रभु ने मेरे साथ वायदा किया वादा लक्ष्य पाता वो चीज को मैं यहां इस जगह में देखता हूं. I come to such a place. वैसी अवस्था में आया हूं, वैसे स्थान पे आया, वैसे स्थिति में हूं. Where I enjoy all that heaven has provided for me to enjoy. मैं वहां ये सारी चीज का अनुभव करूंगा. आज्ञा पालन की अनुभव नहीं है उससे बढ़कर. आज्ञा पालन करकर पिताजी के सारे हित के अनुसार काम करकर पिताजी के अधीन बने रहने वाले एक लड़का था. पहला लड़का नहीं नहीं है ऐसा जीना ही सही है. ये बात मैंने इधर उधर तो बताया. ऐसे जीना ही सही है कि दूसरा लड़का का जैसा मुझे जीना नहीं है. उसने पिताजी के मुंह पे थूककर सारे नगर में शहर में पिताजी को निंदित और लज्जित करकर सब लोगों ने तेरा लड़का ना ये दुख दिलाया. पिताजी को बहुत दुख दिलाया. उसका पूरा पैसा संपत्ति इधर उधर नाश कर दिया. उसके कारण कितने लोगों का जीवन बर्बाद हुआ मैं नहीं जानता. कितने लड़कियां कितने लड़के कितने तरह की बीमारियां कितने तरह की आपत्ति विपत्ति कितने तरह की नुकसान उसने पहुंचाया मैं नहीं जानता. ऐसा जीवन से अच्छा बड़ा लड़का के जैसा जीना है. बड़ा लड़का पिताजी का पैसा
जैसा छोटू को दिया वैसा इसको भी दिया, वैसा नहीं डबल दिया, क्योंकि वो पहलौटा है, पहलौटों को डबल है। लेकिन उसने he didn't count that money, उसने वो पैसा उठाया नहीं, नहीं उठाया, नहीं उठाया। लेकिन all that he missed was he didn't enter into this joy of the father। एक ही चीज उसने अनुभव नहीं किया, वो है पिताजी के संगति में जो आनंद की पूर्णता है उसको उसने नष्ट कर दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसका पिताजी ने उसको आइडिया दिया, उसका पिताजी ने बोला कि अगर तू चाहे तो ये सारे चीज तुम्हें भी दिया जाएगा, पाप करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर से मांगने की जरूरत नहीं है, हालेलुया, बाकी लोगों का दिल तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, अपना जीवन को बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। Quickly get into Jerusalem, amen. यरूशलेम में अपने आप को प्रवेश कराओ, amen. वो जगह, वो ऐसे स्थान, ऐसे शहर, हालेलुया, it is a heavenly city coming close to you. याकूब कहाँ पड़ा है? The city will descend to him, amen, amen. The girl of Samaria, wherever she is, the city will go to her, will go so close to her that it, she lost no time to skip into that city. वो शहर में प्रवेश करने के लिए उसको बहुत परिश्रम भी नहीं करना पड़ा, समय भी नहीं गवाना पड़ा, नहीं है वो सिटी की बात है, वो एक 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 अनुभव है, एक अनोखा अनुभव है। इसलिए परमेश्वर के दास पिछले दिनों में कहा, पिछले इतवार को कहा कि वो परमेश्वर जो मेरा अति आनंद का कुंड है, शांति देने वाला नहीं है, बिनती सुनकर आपत्ति से बचाने वाला ही नहीं है। एक डॉक्टर मुझको चंगा करता, मैं नहीं कहूंगा कि वो मेरा अति आनंद का खुद है। अभी आज मैं एक डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मुझे पता नहीं डॉक्टर को क्या बोलना है, मुझे ये भी नहीं मालूम कौन सा डॉक्टर के पास जाना है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे अनेक तरह के दर्द है, अनेक जगह पे अनेक तरह की दर्द है, अनेक तरह की परेशानी है, तो किस किस के पास मैं जाऊं, तो किसको मैं बोलूं अति आनंद का खुद है। मैं बेवकूफी करता हूं उसके कारण है ये सब, अभी इधर आके चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं था, इतना निर्णय लेके आया, इधर आऊंगा वचन पढ़ूंगा, प्रकाश भाई को बोलूंगा कुछ बोलो और मैं प्रार्थना करूंगा और चुपचाप चले जाऊंगा, आप लोग खुश हो जाएंगे, मैं भी खुश हो जाएंगे। ये गला फाड़ फाड़ के इधर बैठ के इतना दर्द, मैं सोचा रही गाना गाते तो क्यों गाते हो तुम, तो मैं बेवकूफी करता तो उसका कारण बहुत कुछ होता, मुझे मंजूर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक डॉक्टर की बात नहीं है, बीमारी जगह होने वाली बात नहीं है, ये नौकरी मिलने वाली बात नहीं है, नहीं है वही है, मेरा दुश्मन मेरे सामने लज्जित होने वाली बात भी नहीं है, ये एक अद्भुत अवस्था है। दिस हैज बीन रिजर्व्ड फॉर मी, मेरे जीवन में खुशी की घड़ी हो सकता, लेकिन सब जो ऐसा एक जगह में चले जाते, बहुत अति सुंदर जगह है तो मुझे बहुत मुन्नार बहुत अच्छा लगता, समझो ऐसे एक जगह में जाके ऐसे बादल उतर कर आता, इतनी ठंड है, ठंडी मुझे बहुत अच्छा लगता, इतने ठंड है, इतने ऐसे बादल है, चिड़िया गाते हैं और इतने सुंदर वायु बहते हैं, उसमें के अनुभव यहाँ के अनुभव से बढ़कर होता है, नहीं है एक आनंद की एक घड़ी हो सकता, लेकिन परमेश्वर का दास कहते ये तो कुछ भी नहीं है, अति आनंद के कुंड कहकर हम उसके बाद दोपहर की आराधना में हमने कहा कि अति आनंद के कुंड से भी बढ़कर हालेलुया, मेरे मुंह के आनंद से बढ़कर है यरूशलेम, ग्रेटर देन द चीफेस्ट ऑफ माय चॉइस। मैं उस पर ऐसा पढ़ा कि जीवन में कितने भी खुशी का अनुभव मैंने किया होगा, वो सारे अनुभव को एक टकरे तो भी हमें उससे कई गुना बढ़कर एक अनुभव। ये बात पिछले इतवार को हम वचन से देखा, लेकिन आज प्रभु कहता वो ये शहर में मिलता, ये शहर
ऐसे क्षण है, ये जीवन का एक अनुभव है. This is such an experience of ecstasy in a Christian's life. जो आज्ञा पालन करने से नहीं होता, अगर होता तो बड़ा लड़का को मिलता था. This is not obeying the laws. This is not obeying the laws. This is not reading the word. This is not praying and singing. This is not even worshipping. This is entering into the city of God. Clench on all the provisions that He has gloriously arranged and kept for me from before the world began, time began. समय के आरंभ के पहले से मेरे लिए प्रभु ने जो भी खुशी की अवस्था है, जो भी भोजन की बात, जो भी अभिषेक की बात, जो भी समझदारी की बात, जो भी प्रकाशन की बात इकट्ठा कर कर रखा है, उसमें मैं प्रवेश बचाऊंगा. ये यूसुफ के पास से अनाज लेने वाली बात नहीं है. ये यूसुफ की गलती को क्षमा करते वो बात नहीं है. रोहरा बना कसीनुमा रघुसुर बोरी बोरो को यूसुफ रुबा न कसो रघुसुना बना कसा. ये यूसुफ के हाथ से कुछ दान पाने वाली बात नहीं है. यूसुफ का क्रोध को थमाने वाली बात नहीं. तो कना बना रोहरा बना कसीनुमो सारे लोगों को बाहर करके, सारे लोगों को हटा कर, मेरी चिल्ला, मेरा भाई, मेरा डर, मेरा पाप, मेरी परेशानी, मेरी तकलीफ, मेरे हर तरह की अवस्था और बोझ को बाहर निकाल कर यूसुफ के आने के लिए मैं अपने आप को भूलने वाली अवस्था है. ये गोशेन देश में उसके संग रहने वाली अवस्था है. रुको ना बना बाबा बाबा सिंदर लो इसको कोई मुझसे छीन ना लेगा. रुको ना बना बाबा बाबा सिंदर लो पिछले रात को परमेश्वर का वचन के द्वारा मैं ये ग्रहण किया. इसलिए यीशु ने मरियम के विषय में कहा उसने सबसे अच्छा अंश को चुन लिया. मैं सोचा था वो वचन सुनने के लिए बैठा उसके विषय में कहता है. प्रभु कहते ये बात नहीं है. मार्ता भी वचन सुनते थे, काम करते करते वो गोला बना माल कि मरियम ने अपने आप को खोई थी. मेरे चरणों में बैठ कर उसने अपने रस्त को खबर बदल कर मेरे हृदय में घुस गई थी. वो ये कैसा अंश है, कोई उसे चुन नहीं वचन दूसरा लोग सीख सकता. What a blessedness that the Lord is inviting me into. इसलिए मरियम के विषय में यीशु ने कहा सारे अच्छे काम मार्था ने किए थे. I respect that lady. स्वर्ग में जाऊंगा मैं अनेक लोगों से मिलना चाहता रहे कि मुझे अनुमति मिलेगा कि मुझे पता नहीं. मार्था को भी एक शाबाशी देना है मुझको क्योंकि तो मरियम के सारे अनुग्रह के कारण मार्था नहीं नहीं है. मार्था ने निर्बंध कर कर उसको घर में लेकर आए. कुछ लोग ऐसे होता है, उनके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता कुछ लोगों के कारण हमने भी परमेश्वर को जाना. कुछ लोगों के कारण मैंने मेरे उद्धार करता को जाना. लेकिन प्रभु कहते जरूरी नहीं है कि तू वही अवस्था में जिन्होंने तुझको प्रभु के पास लेकर आया उसकी ऊंचाई में खड़े रहो. Enter into His provision, says the Lord. इसने मुझको कई बार ये उदाहरण बोलकर आपको बोल करता. जो टीचर मुझको अंग्रेजी सिखाता था वो 36% मार्क लेकर पास हो गया था.
कि मैं जब एसएससी पास हुआ तो कम से कम मेरे स्कूल में सबसे ज्यादा मार्क मुझको है। तो जरूरी नहीं है जिसने सिखाया उसके स्तर पे आपको खड़ा रहना है। शबरी की नारी, ये शबरी की नारी क्यों है, सुबह क्या है, मैं कभी उसका वचन इधर लिखा नहीं, उसके बारे में सोचा नहीं, ये सब मैं लिखता था वो मेरा नजर में नहीं थी और मुझे सुबह आके तड़पा दिया। वो जाने दो, आई तो उसके बारे में बात करे, चलिए नो इधर नहीं है तो आप बच गया। तो शबरी की नारी क्या बोलने को आया मैं वो मैं बोल गया। शबरी की नारी को पूछो वो बोलेगा मैं दुनिया के बारे में नहीं सोचता, मेरे बारे में भी नहीं सोचता, मेरे बारे में भी नहीं सोचता, शबरी का अवस्था भी मैं नहीं देखता, मैंने मसीहा का एक दर्शन पाया। मैं ये मसीहा का दर्शन पाकर मैं घर में जाकर स्तुति गीत गाकर खुशी से रहना नहीं चाहता। मेरा चाहता है अभी यरूशलेम की सपना देखकर यहाँ रोने की जरूरत नहीं है। यरूशलेम हमारे पास आए, सब लोग आओ, वन गॉड मी, वन गॉड मी, आके देखो और कृति है, आके देखो। इसको लड़की कहता, मैं सबको लड़की कहता इसलिए कि मैं उम्र में बहुत ज्यादा बड़ा, आप लोगों को लगता नहीं है लेकिन मैं हूं। अभी अभी और एक बर्थडे भी हो गया ऐसे लोग कहते हैं। यीशु कहते मार्था को, मार्था तू बहुत सोच विचार में है, बहुत सारे विषयों में दबे हुए हैं, लेकिन मरिया ने एक सुंदर भाग को, तुम भी बड़े आनंदित है कि मैं आया, लेकिन मरियम उसके मुख्य आनंद से बढ़कर एक चीज को मुझ में पाई है। वाह नहीं, पौलुस कहता है, पौलुस अनेक अभी इधर जो लिख के रखा उसके बाद में आता नहीं, दूसरा कुछ आते रहता हूँ क्या करेगा। पौलुस कहता एक कुलीसी लोगों के विषय में कहता, जैसे मैंने तुम्हारे बारे में सुना तब से मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, स्तुति करता हूँ। कुलीसी के एक व्यक्ति ने भी पौलुस का मुंह देखा नहीं है, पौलुस का हाथ से स्थापित कलीसिया नहीं है, वह हाथ से बनाया हुआ कलीसिया। लेकिन पौलुस कहता है तुम्हारा याद आते ही मैं परमेश्वर की स्तुति करता, तुम्हारे लिए प्रार्थना करता। नहीं है वही कोलोसियों के विषय में कहता मैंने उसको जन्माया, कितना प्यार से वो बात करता, ये फिलिमोन ये मेरे प्रिय पुत्र है, ऐसे ये सारे लोग मेरे सामने आए आज, तिमोथी आया, तिमोथी के बाप के बारे में उधर लिखा है नहीं बोलते, वो ग्रीक है, जाने लो यवन के है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कुछ भी पूछता लेकिन आप सही जवाब देता, देयर आर ओनली पुअर आंसर्स, आई एम सॉरी उल्टा हो गया, ये कोई बात नहीं, अच्छा चल 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 चल। उसका पिताजी था वो एक ग्रीक था, नहीं है उसकी माँ नानी सब विषय में है, लेकिन पौलुस कहते हैं मैंने उसको जन्माया। कुछ लोग ना सिर्फ परमेश्वर को जानता, परमेश्वर से पाता, कुछ लोग भीतर घुस जाता, जैसे पौलुस के हृदय में तिमोथी घुसता, हालेलुया, तीतुस घुसता, फिलिमोन घुसता, फिलिमोन नहीं ओनेसिमस घुसता, वैसा यीशु के हृदय में, इसके लिए ये सब उदाहरण बोला, यीशु के हृदय में ये अवरुद्ध
बुझ चुकी थे। मुझे बहुत अच्छा लगता उसका अंतिम दिनों में, कितने बार ये बोल के आपको बोर किया, उसके अंतिम दिनों में चार दिन मेमना चुन लिया गया, ये बात आप जानते हैं। 10वीं तारीख को चुन लिया जाना है, नहीं 14वीं तारीख को उसका वध किया जाना है। 10 तारीख को 10वां दिन को वो आया है रिश्ते में, नहीं है। और उसके बाद वो कहते हैं कि वो किसको कहते हैं कि तू लोमड़ी, उसको जाके बोलो, लोमड़ी को जाके बोलो उसको कहता तो कुछ भी करो, इधर में और 3 दिन हूं, नहीं है, मैं सेवा करूंगा, उसके बाद मैं अपने आप को तो हर शाम आता कहा सबसे बड़ा घर था नहीं, oh, I wish I could be a home for my blessed master. मैं होता तो बहुत झगड़ा करता था, मैं होता तो बोलता था मैं मछली पत्रस में, मैं मछली पकड़ने वाला था, तेरे कारण मैंने मेरे नाव को बेचा, नहीं है, मेरा जाल को भी फेंक दिया, नहीं है, इतना मछली का पकड़ो तो उसको भी फेंक दिया, और तू अब मरियम के पैर में जाते हैं। कुछ लोग एंटर इनटू द हार्ट ऑफ जीसस, कुछ लोग गुरु के हृदय के भीतर घुस जाते हैं, घुस जाते मार्कुस का बहुत बड़ा घर था, वहां 120 से अधिक लोग इकट्ठे होकर और मार्कुस सबको खाना खिलाता, लेकिन यीशु जाता कब्र में। How I wish I should stick so close to him. Enter into his heart. यह है यरूशलेम की अवस्था। मार्कुस परमेश्वर का अच्छा चेला नहीं था, पत्रस अच्छा नहीं चेला था, यूहन्ना नहीं था, यूहन्ना का बड़ा घर था, बड़े संपन्न था। ईशावरी की स्त्री के विषय में यीशु कहता ऐसा भोजन उसने मुझको खिलाया, the river lets of this great river gladdens the city of God, परमेश्वर के शहर को आनंदित करने वाला एक नदी है, वहां परमेश्वर बड़े खुशी से है, बड़े आनंद से वास करता और उसके संग में भी। यरूशलेम के विषय में पिछले दिन प्रभु हमें सिखाने का प्रयास किया, वो यरूशलेम मेरे मुख्य आनंद से बढ़कर है, हम आगे बढ़ते हैं, वहां जाना का नहीं है, बल्कि मैंने अंदर ले लिया है कि यह सब जाने की कोई जरूरत नहीं है। वहां लिखा है परमेश्वर ने इंसान को बनाया इंसान को बनाया अपने हाथ से बनाया, उसके पहले पृथ्वी को बनाया, रचा आसमान को बनाया, नहीं है, वृक्ष को, फूल को, फल को, सब चीज को बनाया था, नहीं है, और क्या क्या बनाया, चंद्रमा को बनाया और सूरज को बनाया, तारों को बनाया, यस, घर में बराबर मुंह नहीं धोता, स्नान ले लेता, कम से कम आपके सामने तो मुंह धोना अच्छा है ना, लेकिन प्रभु कहता है तुम्हें मेरा बनाया जरूर है, लेकिन मैं रखना चाहता तुझे एक अलग जगह पे, तेरे लिए खास जगह है, तेरे लिए खास जगह है, मैंने तेरे लिए एक बगीचा बनाया खास, मैं चाहूंगा कि तू वहां रहे। God's desire concerning each one of us is that we be found in His city. ये सब दुनिया प्रभु ने नहीं बनाया, ये बड़े बड़े मकान, घर, परिवार, कलीसिया सब प्रभु ने बनाया, नहीं, हालेलुया, प्रभु कहता मैं तेरे लिए गुप्त स्थान बनाया,
ऐसे आओ अंबेर वहां से नदियां बहती हैं अब आंधे पर चारों दिशा में नदियां मेरे संतान भी वो नदी किनारे पे रह सकता मेरे सारे वंश भी वो नदी किनारे पे रह सकता जो मेरे संग रहता मेरे संग चलता वो सब वो नदी किनारे पे रह सकता और वो नदी के हर हर ब्रांच हर शाखा परमेश्वर को भी प्रसन्न करता परमेश्वर के शबर को भी प्रसन्न करता जिसके कारण मैं अति मगन होकर रहूंगा। ये आज परमेश्वर का दिल में उदय हुआ एक उद्देश्य नहीं है, ये मुझको जब सृजाया तब से उसका चाहता है, उसका चाहता है कि मैं वैसे शहर में रहूं। तो बाकी कितने सब जानवर है बाकी सब लोग उसको खाना नहीं मिलेगा भरपूर मिलेगा, बोलो मारा जाएगा नहीं मेरे लिए खास जगह Blessed is the one who finds it and enters into it। मुझको विस्तार में सिखाने को नहीं आता, मुझे बताने में सही बोल रहा है क्या, सही बोलने का प्रयास करता हूँ लेकिन आप तक पहुंचते कि मुझे बता नहीं। अब 22वें अध्याय में आता है, 22वें अध्याय में कौन हो सकता, अब्राहम के परिचय। अब्राहम को कहते हैं अब्राहम ये बड़ा काम करना है, यू हैव इनएक्टेड ड्रामा, तुम्हें ड्रामा में भाग लेना है। समय आने पर मैं मेरे एकमात्र पुत्र को एक जगह पर तोड़ने पर मार डालने पर वो जगह पे तुम्हें तेरा पुत्र तेरा प्रिय पुत्र को लेकर जाना पड़ेगा, यहां नहीं यहां से दूर हटकर। अब्राहम जिधर रहता था उधर एक बलि चलाने के लिए जगह नहीं था क्या, हटकर जाओगे हटकर एक जगह है, हटकर एक जगह है। इस जीवन की हर परेशानियां तकलीफ बोझ दर्द निंदा पीड़ा गिरावट पाप गलती इन सारी चीजों से हटकर एक सुंदर सा शहर है, आमीन आमीन, एक जगह है वहां सिर्फ आनंद और खुशी नहीं होता, वहां ऐसी कुर्बानी होती है। दिस इज अ प्लेस आई टोल्ड यू, ये सिर्फ प्रार्थना सुनने अभिति सुनने वाली एक जगह नहीं है, ये प्रतिफल पाने वाली एक जगह नहीं है, यह एक कुर्बान करने की एक जगह भी है। दैट इज वेयर I lay myself on the altar। उधर मैं अपने आप को मेरे प्रिय वस्तु को वेदी पर लटाऊंगा। अब्राहम तू चल। पढ़ना तो आप घर में जाके पढ़ सकते हैं। अब्राहम चल के अब्राहम को पता नहीं कहाँ जाना। He doesn't tell you where he is leading you to। वो नहीं बोलेगा आपको। शायद वो नहीं बोलता। लेकिन आप वहां पहुंच जाएगा। याकूब को नहीं मालूम था याकूब कहां जा रहा, लेकिन पवित्र आत्मा उसको धक्का मार के ऐसा जगह पर ले गया जहां सीढ़ी उतार दिया गया है। इस वक्त को नहीं मालूम था क्यों वो मिस्र देश में उसको छोड़ता नहीं है, जहां अकाल पड़ा है जहां सूखा पड़े वो जहां लोग सारे लोग विरोध करता है वहां क्यों, क्योंकि प्रभु ने वहां उसके लिए एक सुंदर बाग चुनके रखा था। हालेलुया, मेरी डोरी जो मापने की डोरी जो है मन भावने जगह पे है, उसके शहर का बाग है, वो उसके शहर का बाग है। अब्राहम 3 दिन चला तब प्रभु ने उसको जगह दिखाया, सही है, वो जगह को देखते ही इब्राहिम ने उसके नौकरों को कहा तुम लोग बस अब मेरे संग नहीं आना। That is when
you enter into this city. ये जगह पे तब आप प्रवेश करोगे. हालेलुया हालेलुया. आपको सहायकों की जरूरत नहीं है, आपका एक मित्र मंडली की जरूरत नहीं है. हालेलुया. आप ऐसे जगह पे आओगे, परमेश्वर के पर्वत का दर्शन पाओगे, तो कुर्बानी के लिए प्रभु बुलाता तो भी आप याकूब के परमेश्वर के संगति में अपने आप को पाएंगे. आमेन. There is a place away from the hospice, away from the rat race of life, away from the stress and strain of life, away from the burdens of life. There is a place. कितना प्यारा दोस्त मेरा, वहां जाके उसके पास जाके मैं कहता, वो सुनता. ये बात नहीं कहता मैं, मुझे नहीं मालूम कैसे बताना क्या. ये बात नहीं कहता, ये बात वर्णन करने को मुझे आता भी नहीं है. पेशे के पास जाके मांगूंगा, वो मेरे जरूरतों को पूरा करेगा. ये बात नहीं कहता मैं. पत्रस को अगर कर देना है, यीशु को बोलेगा तो यीशु उसका प्रबंध बनाएगा. नहीं है फिलिपुस को लगता है इतने सारे लोगों को खिलाने के लिए पैसा कम है, प्रभु करेगा. अगर आंद्रे उसको लगता है 5 रोटी से क्या करना है, तो प्रभु कार्य करेगा. आंधी तूफान आते डूबने पर है, चिल्लाओगे यीशु जाग उठेगा और आपको डूबने से बचाएगा. ये बात मैं कहते ही नहीं है, मैं तो मरियम वाली बात कहता है, मैं तो अब्राहम की बात कहता है, वो कुछ पाने वाली बात नहीं है. हृदय प्रभु के हृदय की इच्छा और हृदय के आग्रह को जानकर, वो हृदय के साथ फिक्र कर एक बलकर, जहां वो है वहां हर अवस्था में, हर घड़ी हर पल उसके संग रहने वाली एक अतुल्य अवस्था, एक अनोखा अनुभव का बात में करना चाहता हूं. वो हटकर होती है, हटकर होती है, हमारे बट्टे हम ये नहीं प्याम में आता. अभी आप लोगों को पढ़ना तो पढ़ सकते, मेरा तो बहुत हालत हो गया ऑलरेडी. मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यही वाणी है. क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता. यहोवा कहता है, मैं याकूब के तंबू को बदवाई से लौटाता हूँ और उसके घरों पर दया करूंगा, और नगर अपने ही खंडहर पर फिर बसेगा और राजभवन पहले के अनुसार फिर बनाया जाएगा. तब उनसे मैंने ये धन्य कहेंगे और आनंद करने का शब्द सुनाई पड़ेगा. मैं उनका गर्व बढ़ाऊंगा और वे थोड़े न होंगे. उनके बच्चे प्राचीन काल के समान होंगे और उनकी मंडली मेरे सामने स्थिर रहेगी. और जितने उन पर अंधेर करते उनको मैं दंड दूंगा. उनका महापुरुष उन्हीं में से होगा और जो उन पर प्रभुता करेगा वो उन्हीं में से उत्पन्न होगा. मैं अपने निकट बुलाऊंगा और वह मेरे समीप आ जाएगी, क्योंकि कौन है जो अपने आप मेरे समीप आ सकता. यहोवा की यही वाणी है. 5 वचन इतना लंबा होता है, मुझे नहीं पता. 5 वचन इतना लंबा, फिर अभी और एक वचन बाकी है, पढ़ा भी नहीं. और भी पढ़ो, अभी वो 6 वचन, 6-5 नहीं, पढ़ो. उस समय तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा. गायल है, है पूछा तो बोलने का ना, पढ़ा तो बोलने का ना, चिल्ला चिल्ला करके ने कर. गायल है, गिर पड़ा है, टूट पड़ी है, नाश हो चुकी है, खंडहर की अवस्था. उसका मतलब ये शहर एक बार नहीं बनता, ये बार बार बनता. मैं भी गानता तो भी ये बनाया जा सकता. नहीं है, this will be built again. Rebuilt again. Yes. चोट लगा, लगा. गिर पड़ा, अब किया, गलती हो गया, गलत कदम उठाए,
ये बना के आमीन आमीन ये शहर दोबारा बनाया जाएगा आमीन हर्ष की आवाज आनंद की का गीत दुल्हन दुल्हन की आवाज दोबारा सुनाई पड़ेगा बन जाएगा ये शहर बार बार बन का जाता जाता अगर मैं चाहूं तो अगर मैं चाहूं तो करता मैं ये कंडहारों से from the wrecks of your life I will rebuild it so magnificently so beautifully तब तू मेरा प्रजा कहलाया जाएगा अब मैं तेरा प्रजा नहीं है हाँ लेकिन उसका कोई गुण कुछ भी अवस्था उसका कोई अनुभव तुझ में नहीं है you are not experiencing me as you ought to have experienced तू मुझमें जो आनंद की पूर्णता है मुझमें जो तंदुरुस्ती है मुझमें जो अभिषेक की पूर्णता है मेरे द्वारा जो पालन पोषण की जाती है जो दर्शन में तुझे देने पर है जो प्रकाशन तू पाने पर था ये चीज का पूरा अनुभव नहीं करता संतान होकर भी संतान की अवस्था में नहीं आया मैं तेरा घर में आया हूं तूने मुझको चाय पिलाया तू अभी मटन करी बना के हो गया मच्छी फ्राई कर रही है लेकिन मरियम ने एक ऐसी अवस्था में अपने आप को ऑलरेडी पाई है नहीं है कितने लोग याकूब के कुआ में आकर पानी लेकर गए सदियों से मेरे प्रिय भाई और बहनों मैं वो अवस्था की बात नहीं करता मैं वो अवस्था की बात नहीं करता कुछ लोग जल का पात्र को भी घड़ा को भी फेंक कर अच्छा हुआ वो मिट्टी का नहीं था मिट्टी का होता तो टुकड़ा टुकड़ा हो शायद मिट्टी आई एम ट्राइंग टू गेट अक्रॉस टू यू बट मुझे पता नहीं मैं कितना कर पाता यही सब हुआ है ये जीवन में होगी ये अवस्था दूसरों के जीवन में नहीं इस जीवन में हालेलुया ये शहर बनाया जाएगा This is not a city that I should go in search of. मैं ढूंढ के जाने के लिए दूर की एक शहर नहीं है यह ये शहर इस टूट पड़ी जीवन में दोबारा बनाया जाने वाली शहर है ये परमेश्वर का शहर है उसके भीतर परमेश्वर एक मजबूत गढ़ जैसा दोबारा अपने आप को प्रकट कराने पर है देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा मैं यहूदा और इस्राएल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा और उन्हें पहले के समान बसाऊंगा मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध काम मेरे विरुद्ध किए हैं उन सबको मैं क्षमा करूंगा क्योंकि वे वह सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर जो मैं उनसे करूंगा डरेंगे और थरथराएंगे वे पृथ्वी की उन जातियों की दृष्टि में मेरे लिए हर्ष और स्तुति और शोभा का कारण हो जाएंगे बहुत है बहुत लंबा है तो मैं दोबारा आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा पढ़ने के लिए ये सिर्फ एक व्यक्ति का अनुभव नहीं नगर का पूरा ये मेरे जुड़ का अनुभव हो सकता है ये मेरे परिवार का अनुभव हो सकता है इसलिए प्रभु ने हमें कलीसिया में रखा है आमीन बीमार लोग हैं बीमार लोग हैं पीछे हटे गए लोग हैं मेरे जैसे गिरा हुआ इंसान है लज्जित और दिन दिन इंसान है
लेकिन ये शहर अवस्था दुश्मन आके मुझको गिराया और मुझको बंदी बनाया, उसकी अवस्था नहीं है, मेरे पाप के कारण, मेरे गलती के कारण, मेरा गलत कदम उठाने के कारण ये भवन की अवस्था, मेरे जीवन की अवस्था ऐसा हुआ है। लेकिन प्रभु कहता मैं इलाज करूंगा, इलाज करके इलाज है, ऐसा कोई बीमारी नहीं है मेरे जीवन में जिसका इलाज नहीं है। मैं आत्मिक बात कहता हूँ, समझने के लिए प्रयास करोगे तो अच्छा होगा। कोई बात ऐसा नहीं है, कोई बात ऐसा नहीं, मैं इलाज करूंगा। परमेश्वर के नगर में, वो यरूशलेम में जो तुम्हारे मुख्य आनंद से भी बढ़कर आनंद का जगह है, प्रवेश करना चाहते हो, प्रभु कहता मैं कराऊंगा, मैं ले जाऊंगा, मैं अवस्था को बदलूंगा। तब क्या होगा उधर लिखा, तब क्या होगा लिखा, क्या होगा, स्तुति और शोभा का कारण हो जाएगा। किसका? परमेश्वर, परमेश्वर का हर्ष का कारण मैं हूं, मेरा अति आनंद का कुंड परमेश्वर है, वैसा परमेश्वर का अति आनंद का कुंड मैं हूं। ओ प्रभु यस आमेन आमेन आमेन। वी आर इन द बिजनेस ऑफ gladdening each other, delighting each other. Amen. That is the blessedness of Jerusalem. Jerusalem ki avastha woh hai. This is no one-way traffic. Ye ek one-way nahi hai. Hallelujah. Paana 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 nahi hai. Hallelujah. Abraham aur Parameshwar ki rishta hai. Main dunga aur tu dega. Hallelujah. Paana paana paana. असी अना की और परमेश्वर की अवस्था है, तू मुझको देगा और मैं तुझको दूंगी। एक्सचेंजेस की भक्त ले, एक्सचेंजेस ऑफ हार्ट्स, हृदय बांटा जाता है, हमें विचार बांटा जाता है, सोच बांटा जाती है, हमें उद्देश्य बांटा जाती है, वो एक अवस्था है। तू जब बनाया जाएगा मेरा हर्ष का कारण और स्तुति और शोभा किसकी? परमेश्वर की है। अति ऊंचाई की स्तुति, हालेलुया, परमेश्वर को शोभा इस जगत में ज्यादा प्रकाशित करना है तो मेरा ये शहर दोबारा बनाया जाना है, इस शहर में मैं वास करूंगा, तो वास करूंगा, तो वास करूंगा। तो हम एहेजकेल में आते, एहेजकेल ऐसा लिखता है क्या पता नहीं, कुछ तो लिख दी वो अभी नहीं रहा ना, तो हमारे से झगड़ा करने को तो नहीं आए, नाम गलत लिखता है। वो मैं उतना उसका नजदीक आने के लायक है ही नहीं, वो बहुत बड़ा पवित्र इंसान है, हम तो दूर कभी कोने पे आप भी मुझे नहीं देख पाओगे, आप सब आगे खड़ा रहेगा, इतना चिल्लाता होगा। अपने दर्शनों में परमेश्वर ने मुझे इजराइल के देश में पहुंचाया और वहां एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़ा किया, जिस पर दक्षिण की ओर मानो किसी नगर का आकार था। जब वो मुझे वहां ले गया तो मैंने क्या देखा कि पीतल के समान और हाथ में सन का फीता और मापने का बांस लिए हुए एक पुरुष फाटक में खड़ा है। उस पुरुष ने मुझे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपनी आंखों से देख और अपने कानों से सुन, और जो कुछ मैं तुझे दिखाऊंगा उस सब पर ध्यान दे, क्योंकि तू इसलिए यहाँ पहुंचाया गया है कि मैं तुझे ये बातें दिखाऊं और जो कुछ तू देखे वह इसराइल के घराने को बताए। ये सब उसमें लिखा है। तो मैं पढ़ता तो इतना सारा लंबा क्यों नहीं है वो? आप पढ़ते नहीं देखते। और आज सुबह मुझको ये सारी चीज देखने के लिए कुछ मिनट नहीं लगा, क्या लंबा छोड़ा। अभी मैं कब लिखूं क्या? पांच छह वचन ही तो लिखते, उसके लिए इतना समय।
देखो मैंने देखा है एक सपना। परमेश्वर कहता मैंने एक सपना देखा है। तू आ, तू आ, तू आ, ये पर्वत पर चढ़, मैं तुझे चीसी का था, मैं एक शहर बनाने पर मैं नहीं चाहता कि छोटा सा शहर रहे, मैं उसमें अनेक लोगों को भर्ती करना चाहता, अनेक लोगों को लेकर आना चाहता, तो उसको नापते जा। आमेन, आमेन, आमेन। सी माय एवर एक्सपैंडिंग सिटी। हा हा हा, तू ऊपर से देखा उसमें क्या क्या चीज है। वो पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं, इसके लिए मैंने रुकाया उधर आपको, नहीं तो आप एक 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 पढ़ता, वेदी के बारे में पढ़ता, वो प्रकार के बारे में पढ़ता, वो बहुत कुछ पढ़ता, फिर आप लोग को इधर से जाने को ही नहीं मिलेगा। ये प्रकाश भाई के हाथ में बाइबल देना ही नहीं है। नाम ले। उसका प्लान है, उसका प्लान है, बहुत सुंदर प्रबंध बनाया। He's holding the blueprint of my life in his hand. Amen. Oh, प्रभु यीशु। चलने चाहते हो नाप ले, चलने चाहते हो नाप ले। नया नियम याद तो पवित्र आत्मा में आगवान देकर कहता सारे संतों के साथ नाप ले। अकेले में नहीं नाप नहीं सकते आप, अकेले में अब बेवकूफ है, अकेले में नापने का प्रयास करता। सारे शब्दों के साथ उसका लंबाई नापो, उसकी गहराई नापो, उसकी ऊंचाई नापो, चौड़ाई नापो, नहीं है? अपने मेरे सपना का एक झलक में तुझे दिखा था, ये जो बनाने पर है एक झलक में तुझे दिखा था। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, उसके बाकी भाग इधर दिखाई देंगे, लंबा चौड़ा है लेकिन 43 में नहीं यार, 1-7 है, 7 वचन बोलेगा तो प्रकाश भाई के लिए एक युग लगेगा। फिर वह उसको उस फाटक के पास ले गया जो पूर्व मुखी था, तब इजराइल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया और उसकी वाणी बहुत से जल की घबराहट घर घराहट सी हुई और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। यह दर्शन उस दर्शन के तुल्य था जो मैंने उसे नगर का नाश करने को आते समय देखा था, और उस दर्शन के समान जो मैंने कबार नदी के तट पर देखा था, और मैं उसके मुंह के बल गिर पड़ा। तब यहोवा का तेज उस फाटक से होकर जो पूर्व मुखी था भवन में आ गया, तब आत्मा ने मुझे उठाकर भीतरी आंगन में पहुंचाया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। तब मैंने एक जन का शब्द सुना। इसको थोड़ा छुट्टी दे देते, वो थक जाते, बीच में रुका के प्रयास किया लेकिन मैंने इसको भागने को। अभी परमेश्वर का दास कहता थोड़ा बहुत पहले मैंने एक दर्शन देखा था, उसमें परमेश्वर की महिमा बड़े जलाने वाली आग समान एक शहर को मिटाने के लिए पूरा गुस्सा नहीं है ऐसे आता, तो जो महिमा है वही महिमा अब दिखाई दे रहा है, वही डिटर्मिनेशन है, वही ग्लोरी है, वैसा ही निर्णय के साथ वो आ रहा, इतना महिमा इतना ज्योति है उतने तेजोमय है। जैसा वो तोड़ने के लिए मिटाने के लिए आया था उतना ही जोश से, उतना ही खुशी से, उतना ही महिमा से दोबारा बनाने पर है वो। हालेलुया। ग्रेटर देन माय फॉल विल बी माय रीबिल्डिंग। परमेश्वर वही सामर्थी, परमेश्वर वही महिमा, वह परमेश्वर इतने ही जलन के साथ इस गिरा हुआ शहर को दोबारा बनाने पर आ रहा है। मैंने देखा, आमेन। मैं नहीं कर सकता, मैं रो रो कर नहीं कर सकता, मैं इतने गहराई में गिर पड़ा हूँ, अभी मेरे लिए कोई आशक के मार्ग आशक किरण नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता इतना बड़ा पाप में मैं पड़ा है, इतना बड़ा गलती किया है, अभी मैं उम्मीद भी नहीं रख सकता। वही परमेश्वर यहोवा उतना ही सामर्थ्य से, उतना ही महिमा धारण कर कर, इतना ही ईर्ष्या से, इतना ही ईर्ष्या शब्द सही है, जलन से
वो मुझे बताने पर है क्या है। तब मैंने एक जन का शब्द सुना जो भवन में से मुझसे बोल रहा था। वह पुरुष मेरे पास आ खड़ा था। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, यहोवा की यह वाणी है, यह तो मेरे सिंहासन का स्थान और मेरे पांव रखने की जगह है। तूने जो बिगाड़ा तेरे गलती के कारण, तेरे 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 गलत कदम उठाने के कारण, तेरे मूर्खता के कारण, तूने जो जगह को मिटा दिया, श्रापित बना दिया, वह मेरा वास स्थान बनेगा, सिंहासन का जगह बनेगा, हर्ष का कारण बन जाएगा। इसी जीवन को मैंने चाहा है। पिछले दुवार कब ने सुना, परमेश्वर ये भवन उसको चाहा है। मुझको जितना चाहता है, उससे वो दूसरा किसी को चाहता, दूसरे को चीज को चाहता नहीं है। उसका शहर को वो यहाँ बनाना चाहता है, इस झुंड में बनाना चाहता है, मेरे जीवन में बनाना चाहता है, मेरे परिवार में बनाना चाहता है। पवित्र वचन ने हम ये सुनाया, मैं यरूशलेम को मेरे मुख्य आनंद से बढ़कर above my chiefest of joys, above my chief joy, मुख्य आनंद से बढ़कर, हालेलुया। इसलिए नहीं कि प्रभु मुझको सुरक्षित रखेगा, इसके कारण नहीं है। इसलिए नहीं कि मेरे लिए उसने एक छिपने का स्थान बनाया है, आपत्ति से, विपत्ति से और सूरज के ताप से, वो नहीं है ये बात। हम सब मिलकर, हम दोनों मिलकर, हम मिलकर राज करने की अवस्था, हम मिलकर आपस में बातचीत करने की अवस्था, आपस में हमारे सोच को बांटने वाली अवस्था, मिलकर काम करने वाली अवस्था है, ये अद्भुत अवस्था है। दैट इज द जेरुसलेम, हेवनली जेरुसलेम, विच इज माय मदर। हम आगे बढ़ते हैं, कुलिसियों में आते हैं, कुलिसी तीसरे अध्याय में आएगा। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। ये सोचो रहो, ये बाकी सोच, मेरा हालत मेरा इतना खराब इसलिए है कि मैं ये भौतिक चीज ही सोचता है, ये मैं बेकार की चीज के ऊपर मेरा नजर है, बेकार की चीज के। जो जो बात मेरे मन में आया वो मैं अभी इधर बोल नहीं सकता, वो उसके प्रेरितों के विषय में था। अगर हम लोग वो प्रेरितों में था तो यीशु को, यीशु का जीना बहुत मुश्किल होता था, नहीं है? यीशु हमेशा गलत गलत काम करता, बहुत गलत काम करता था, हमेशा गलत काम करता, हमारी दृष्टि में जो भी वो करता सब गलत काम है, गलत काम है। वो जाए उसके बेटी को जगह करने के लिए जाते तो काली प्रकाश भाई, अशोक भाई और राजकुमार को लेके जाता, नहीं है क्या? सब बेकार काम बहुत किया उसने, बात किया है, सब 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 मैं वर्णन नहीं कर सकता। हम बेवकूफ लोग ये सब समझे समझते भी नहीं है। मेरे जैसा आदमी होता तो मैं खूब झगड़ा करता, तो मैं छोड़ के जाता था, तो मैंने कहा तू और तेरा सेवक आई मारो गोली। तो यहाँ कहते ये सर चीज को छोड़ना, अगर गुरु कुछ करता है उसका बड़ा उद्देश्य है। मैं मूर्ख इंसान, चुपचाप यीशु उस शमरी की स्त्री के पास जाता है। आज शमरी की स्त्री है तो इसका दिन है, नहीं है? गलत काम किया है उसने। एक तो शमरी है वो बड़ी शराबी है, दूसरी उसका पांच पति था
और एक के उसका सगाई भी नहीं हुआ है तो फिर यीशु को बताएगा वो चैन से, यीशु बहुत हैंडसम है, है मालूम, बहुत हैंडसम है, बहुत हैंडसम है वो। अरे इधर बोलने के लायक नहीं, बहुत गलत चीज मेरा मन में। अच्छा बाद में एक दिन बताऊंगा, भाई विश्री में बताया, एक व्यक्ति ने बताया मुझको, बोला तो यीशु ने, उसको मालूम था ये चलो लोग का दिल भी इतना विशाल नहीं है, ये लोग बिगाड़ी के लिए लेके जाने दे ही नहीं है, और उनका पूरा फायदा होता है। अगर यीशु कुछ रोगी को छूता, मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसके उद्देश्य है, उसके उद्देश्य, उसके उद्देश्य है, प्रभु मेरे जीवन में जो भी कार्य करता मेरे ही समझेगा। पत्रस को समझ में नहीं, पत्रस बोलते तू मेरा पान क्यों धोते हो, मैं जो करता हूं तुम नहीं जानो, जब मैं 13 वर्ष के लड़का था तब मैं, जब मेरे इस जीवन को प्रभु का हाथ में सौंपा तो मेरे सामने अनेक सवाल थे, एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला मुझको। मैं पूछते रहा कि मेरे पिताजी तो बहुत बड़ा भक्त है, एक संत इंसान मेरे पिताजी है, मेरे पिताजी का पिताजी भी बड़ा संत है, और मेरे पिताजी का पिताजी और मेरे पिताजी का छोटा भाई, क्या बोलता पिताजी का छोटा भाई, हम लोग मलयालम में पागल वगैरह कहते हैं, इधर क्या बोलते हैं, उसको प्रचार करने वाले लोग हैं, प्रचार करने वाले लोग हैं, और मैं इतवार को सुबह 7 से 8 तक एक संडे स्कूल आईपीसी चर्च का, उसके बाद बाट के घर में आता, 8:30 को मैं चर्च में जाता, हमारे चर्च 8:30 को शुरू होता, उधर से पैसा भी वो सब खत्म करके, उसके साथ मीटिंग होके वो सब मीटिंग सब खत्म करके मैं बाग के घर में आकर थोड़ा खाना करता, 8:30 से 3:30 तक एक संडे स्कूल है, उस संडे स्कूल में मैं जाता, तो उसके बाद पाठ के आता, चाय पी के पाठता, 4:30 से 5:30 तक एक संडे स्कूल है, वो मैं अटेंड करता, संडे स्कूल बंद हो गया था, इसके लिए अंत में एक प्राइज मिलेगा था। लेकिन मेरा जीवन में जो अनुग्रह लोग कहते प्रभु देगा, वचन में से पढ़कर लोग कहते अवस्था बदलेगा, ये सब नहीं होता। तो मेरे पास कोई मित्र लोग उस जमाने में नहीं है, बड़े संत लोग नहीं, मैं संत लोगों से डरता, मैं अभी भी आपको बोलता हूं, मैं कोई पास्टर के सामने जाता नहीं, मुझे बहुत डर है, सब लोग को लगता है कि वो पास्टर से जाके मिलना है, हाथ मिलना, मैं किधर भी जाता मैं पीछे बैठता, और जैसे सभा का पहुंचे तो मैं पाठता, कुछ लोग मेरे को बोलते अरे मैं उधर गया मुझसे प्रार्थना नहीं कराया, मुझको मुझसे कराना ही नहीं, इसके लिए मैं छुपाते, कुछ बोलो ऐसे बोलना नहीं है, इसके लिए मैं अपने आपको छुपाता, मुझे मुझे मैं इतना है ही नहीं ना, मैं इतना अभिषिक्त आदमी नहीं यार, तो मैं कोई पास्टर के पास नहीं जाता, मैं प्रभु से बात करता, हमारा दूसरा कोई है ही नहीं। तो रात मुझे मालूम है कि मैं प्रभु को उपस्थिति में बैठा, प्रभु मेरे पास आके बातें नहीं करता जैसे आपसे करते, मेरे पास एक एक वचन आते हैं, तो मेरे पास ये वचन आया यूहन्ना 13 अध्याय का वचन है, तो मैं उठा पड़ा, उसमें इसे लिखा है, सॉरी 13 अध्याय में नहीं, 13 अध्याय में दूसरा बात है कि मैं अंत तक तुझसे प्यार किया, वो एक वचन आया, उसके बाद ये वचन आया, मैं अब जो कर रहा हूं तेरे समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं तुझको यकीन दिलाता, वायदा करता, एक दिन तुम जानोगे, मैं जानता अब, तब मैंने ही जाना, तब मैंने ही जाना, 35 वर्ष के बाद मैंने जाना, मैंने जाना, हम नहीं जानता है। वो वचन को मैंने सब पकड़ लिया है, अभी भी मैं अपने आप को कहता अब मैं तेरे जीवन में जो करता तू नहीं जानता, बाद में कभी इसीलिए जो चीज हमारा समझ में नहीं आता उसको मैं मुझको तड़पाने के लिए देने का नहीं है, उसको छोड़ दे, उसको छोड़ दे, बहुत सारा चीज मेरे जीवन में गति है, होता है, उसका सब कुछ ना कुछ कारण है, कोई उद्देश्य, कारण नहीं उद्देश्य, प्रभु को वो सब चीज छोड़कर कुछ चीज अच्छा अच्छा चीज सोचो, क्या क्या सोचने का, ऊपर के
की बात, वो शहर की बात सोचो, स्वर्गीय यरूशलेम की बात सोचो, नहीं लिखा है? स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहो, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। अभी मैं ऐसे सोचता, ऐसे विचार में डूबे रहता, ऐसे सोच को अपनाता, तब तो मसीह जब प्रकट होगा तब क्या होगा? हम भी उसके साथ महिमा के साथ जब यीशु आएगा तब हम लोग कैसे दिखाई देंगे? हम यीशु के समान दिखाई देंगे, ऐसा यूहन्ना का पत्रिका में आप पढ़ते हैं। नहीं, पहला पत्रिका तीसरा अध्याय में हो सकता है, नहीं है पता नहीं, जब वो प्रकट होगी हम उसके समान। वो एक वचन है परमेश्वर का, वचन में एक वचन को पकड़ के मैं नहीं चलना। ये बात प्रभु ने बचपन से मुझको सिखाया है और परमेश्वर के दास लोग ये जानता भी है, एक वचन को पकड़ के चलेगा तो आपको बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि यीशु ने जूदा इस्करियोत को कहा तू जो करने पर है जल्दी कर, नहीं है कि ये वचन में पढ़ के मैं कुछ मर्डर करने के लिए जा रहा हूं तो मैं जल्दी जाके मर्डर कर, नहीं है तारीफ भी लेकर सोच आ रहे, मैं सोचे कि सही है क्या वचन पढ़ता है तो आया तो जल्दी कर, दुकान खोलने से पहले उधर जाके कर। ये इसी वचन नहीं पढ़ता, इसी वचन पौलुस के द्वारा कहता है तारे तारे में ज्योति में बहुत फर्क है, नहीं है। उसकी महिमा, उसके समान दिखना और उसकी महिमा की पूर्णता पाना दो अलग चीज है। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा, मैं कभी उम्मीद नहीं रखा, रखता भी नहीं है कि मैं पौलुस की तरह पत्रस की तरह चौंकूंगा, मैं नहीं हूं, नहीं मेरे एकमात्र उम्मीद है, मैं सच कहता कई दूर किधर तो पीछे परमेश्वर के राज्य में मैं रहूंगा, जहां कोई रोएगा नहीं, जहां मृत्यु नहीं होगी, सबसे बढ़कर मत मैं पाप नहीं करूंगा, मेरे एकमात्र सपना है वो प्रभु जानता। अनेक लोग कहता मैं जाऊंगा, मैं उसको चूमूंगा, मैं उसको पकड़ूंगा, मैं ये करूंगा, बहुत सुंदर इच्छाएं, मुझमें ऐसी तमन्ना इसलिए नहीं है कि मैं इतना प्रभु के लिए कुछ किया नहीं है, कुछ करता भी नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में एकमात्र आशा है इतने भी दूर के ना हो एक निष्कलंक जीवन में बिताऊंगा मेरे प्रभु के लिए, उसके बाद मैं पाप नहीं करूं, उसको हृदय को नहीं दुखाएगा, मैं उसको चोट नहीं पहुंचाएगा। लेकिन प्रभु का चाहत वो नहीं है, प्रभु का चाहत मेरे विषय में वो नहीं है, प्रभु का चाहत है पूर्णता में महिमा पाओ, पूर्णता में महिमा पाओ। हमें वो शहर की अवस्था वो है, वो शहर में प्रभु हमें आमंत्रण देकर बुलाता है इसलिए कि हम भी वो पूर्णता पाए। ये प्रार्थना सुनान सुनने वाली बात नहीं है, ये बीमारी चंगा होने वाली बात नहीं है, ये प्रमोशन मिलने वाली बात नहीं है, ये प्रत्येक प्रभु के हृदय को अपना कर एक मरियम की तरह हालेलुया, और कुछ बीते हुए दिनों में पत्र की तरह कोबोरा बना रखो निबोरे बोर करना रखा, पत्र का मुंह का आदर करते हुए प्रभु ने उसको ऐसा अनुमति दिया जीवन कांत में पढ़ता, ऐसे इतिहास में लिखा है कि पत्र क्रूस पर ऐसा ही एक लग रखे क्रूस पर उल्टा अपने आप को ठग दिया, रूबे नबो 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 खसुंदर नबो
बढ़कर प्यार करते हैं क्या? उसने कहा प्रभु तू सब कुछ जानता, कितना बड़ा सौभाग्य है, मैं चाहूंगा मैं चाहूंगा मैं यीशु के साथ रहूं जीवन में और मृत्यु में और उद्धार में भी। यहाँ कदम करता ब्रैकेट इसके लिए डालो, मुझे पता था वहां तक नहीं आएगा, वो ब्रैकेट है। हम भी इस शहर को चाहते हैं, एक शहर है, एक नगरी है, वहां स्वर्गीय सिंहासन से जो नदी बनती है उसकी शाखाएं हमारे पास से होकर बहती है, वहां आनंद की पूर्णता है, वहां गुरु अनि है, वहां समर्पण है। परमेश्वर के चित्त को, उसके आग्रह को, उसकी इच्छाओं को पूरा पूरा समझने वाली जगह, वहां मेरा पालन पोषण होती है, वहां मेरी शोभा बढ़ता है, वहां अंत में मैं परमेश्वर की स्तुति और हर्ष और महिमा का कारण बनता हूं। परमेश्वर को धन्यवाद, स्तुति आराधना करें, वचन को अपना यीशु के नाम में आमीन।